हेलो वेलकम टू टैक्शन मेथ इस सेशन में हम रिट्रीव सिस्टम वैल्यू के कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है मैं इसको एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए जो है क्यू ए एस टी एल वी एल क्यू ए टी एन पी जी एम एंड क्यू ए यू डी सी टी एल इसका मीनिंग क्या है इसका पर्पज़ क्या है ये मैं आपको कमांड के साथ में बताऊँगा और इसका जो टाइप डेटा टाइप और लेंथ है वो आपको रेफ़र करना है आई बी एम का ऑफिशियल वेबसाइट आर टी बी कमांड के लिए तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि, कि किस तरह का हमारे को टाइप इसका रखना है और लेंथ क्या रखनी है ठीक है अब हम देखते हैं कमांड कमांड के लिए आपको सिंपली क्या लिखना है आर टी बी लिखना है और एफ प्रेस करना है यहाँ पर जैसे आप एफ़ प्रेस करोगे आपको एक स्क्रीन मिलेगा जहाँ पर हमें दो इनपुट देने होंगे सिसवेल और आर टी एन वेयर सिसवेल में हम वो वैल्यू पास करेंगे जो हम इस कमांड से रिट्रीव करना चाहते हैं और आर टी एन वेयर में मिलेगा वो हमें वो वैल्यू वेरिएबल पास करना है जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं ठीक है थेके? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज तीन कौन सी वैल्यूज हम डिस्कस करेंगे तो मैं एफ़ वन प्रेस करता हूँ इस पर एफ़ वन प्रेस करने के बाद आप इस हेल्प विंडो पर आ जाओगे यहाँ से आपको डेटा मिलेगा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसका ठीक है तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ये वाला पहला ये है हमारे पास ए एस टी लेवल तो इसके नेम से ही आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि ये असिस्टेंस लेवल है ठीक है इंडिकेट द ऑपरेशनल असिस्टेंस लेवल

एक्सपर्ट सिस्टम इंटरफेस यूज तो ये तीन वैल्यू है जो एक्सपेक्टेड है इसे इफ अ कमांड डज नॉट एन स्टार एडवांस लेवल इंटरफेस इमीडिएट इज यूज ठीक है अगर एडवांस नहीं होगा तो इमीडिएट ही उसमें यूज होगा तो पहला वैल्यू तो ये सेकेंड है हमारे पास क्यू ए टी एन पी जी एन ए टी एन का यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा अटेंशन को और पी जी एम है प्रोग्राम इफ स्टार इज स्पेसिफाइड फॉर दिस सिस्टम वैल्यू द ऑपरेशनल असिस्टेंट ज कॉल्ड वन द यूजर्स प्रेसिस द अटेंशन की दिस वैल्यू कैन बी चेंज टू देशम ऑफ प्रोग्राम विच विल भी कॉल्ड वन द यूजर प्रेसिस अटेंशन की इन जॉब वेयर इट अटेंशन पी जी एम स्टार वैल्यूज स्पेसिफाइड द यूजर प्रोफाइल चेंज इज मेड टू दिस सिस्टम टेक इमिडिएटली ठीक है तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है ये हमारे को बताता है असिस्टेंट अटेंशन प्रोग्राम ऊपर वाला वाला है 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 है, वो 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 नीचे जो जो बताएगा हम करेंगे ठीक है? इसका क्या ऑन एंड ऑफ स्विचेस फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड यूजर एक्शन ऑडिटिंग ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या क्या रिटर्न करता है स्टार नॉट एवी एल The user performing the command is not allowed to display the current auditing values. You cannot change the system value to not available. Okay. So you have written star not AVL. star No security auditing is done on the system. Fearhammer star AUDL is coming the no is done on the, the action specified in the Q audit level and Q audit level 2 system values will be logged to the security journal.

मेनली क्या रिटर्न कर रहा है ये आपको बताया कि ऑडिट कंट्रोल किस तरह है का है सिस्टम का वो ये रिटर्न करता है ठीक है तो ये तीन वैल्यूज हमने देख लिया अगर आपको इस तरह की कोई वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोग्राम के लॉजिक में तो आप सिंपली ये कमांड हिट करोगे मेनली हम करके आ रहे हैं कमांड का यूज करना है जो जो वैल्यू सिस्टम से हम रिट्रीव कर सकते हैं उसको रिट्रीव कर रहे हैं तो मैं आपको सेशन में बस ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे वो वैल्यूज रिट्रीव होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है या टोटली आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वैल्यू वहाँ पे आपको चाहिए ठीक है तो ये तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पास कर दी मीन्स कमांड में यूज़ कर ली अब ये कमांड जैसे एग्जीक्यूट होगी ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं अब आप ऊपर देखोगे तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने किया था जब सारे टाइप करेक्टर रखे थे जो कि हमने रेफर किया था आई वी के ऑफिशियल वेबसाइट को तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं एस एन डी पी जी एम कमांड में डायरेक्टली वैल्यूज पास कर सकते हैं तो मैं वही कर रहा हूँ लाइन नंबर ट्वेंटी फोर पर मैंने पास किया पहला क्यू एस टी लेवल और फिर हमने किया क्यू अटेंशन प्रोग्राम और फिर किया क्यू ऑडिट कंट्रोल ठीक है तो ये जैसे लाइनें एग्जीक्यूट होंगी तो हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी अब हम इसको एक बार कंपाइल करके आउटपुट देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हमारे को मिल रही है कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली अब हम इसको कॉल करेंगे पहली वैल्यू इसने रिटर्न किया स्टार आई इंटरमीडिएट फिर इसने एक uh, लाइब्रेरीज रिटर्न की हैं और फिर इसने स्टार्ट नॉट ई ऑडिट कंट्रोल में स्टार्ट नॉट अवेलेबल किया है, है? ठीक तो इस तरीके से अगर आपको कोई ये तीन इन्फॉर्मेशन की प्रोग्राम में नीड है तो आप सिंपली आर टी कमांड का यूज करोगे और वहां से ये वैल्यूज रिट्रीव करोगे आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन